और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है व्हेन साउथ इंडियन डेट्स नॉर्थ इंडियन, फीचर सिद्धार्थ एंड मुग्धा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का रिव्यू लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल लिखो शोक में लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ओके, सच बताएं तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ब्लाइंड डेट पर और हमारी फटके हाथ में आ गई है। ना कभी देखे हैं उसको, ना जानते हैं, पता नहीं किस लंपट के साथ डेट फिक्स करवाई हो तुम। अरे परेशान मत हो यार, सीधा सा लड़का है और उसका भी फर्स्ट टाइम है, उस पे नहीं तो मुझ पे भरोसा कर लो। चलो ठीक है, एक फ्लैट देखने जा रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं तुम्हारे सीधे से लड़के से। अरे मैडम, ये कोई पॉन देता प्लेटफॉर्म नहीं है हैरी पॉटर वाला, किसी तक घुस जाइएगा। अरे दरवाजा लगा है ओनर। मिश्रा जी, आप कानपुर से हैं तो फ्रैंक हो जाएंगे हमारे साथ। जिस काम के पैसे दिए ना आपको, वो करिए चुपचाप, ठीक है? एक बाथटब वाला घर दिखाने को बोला था, वो तो आपसे हुआ नहीं। चलें अब। आइए आइए, इस तरफ आइए। देखिए। सच बता रहे हैं मिश्रा जी, काम ऐसा किए ना गले लगाने का मन कर गया। मैं रूम दिखा चुका हूँ और पसंद भी आ गया उनको। अरे आपको मैं दो चार पैसे ज्यादा दिलवा दूंगा। Excuse me, well, you're a little bit late because I'm almost ending my first month's rent. So, sorry, yeah, sister. एक मिनट हाँ, brother. अंकल जी, आप तो जानते हैं बड़े बड़े शहरों में कितनी मुश्किल होती है घर मिलने में। Yeah, it's very difficult, especially if you're a South Indian bachelor. मुझे लग रहा है ये इनकी चाहे blind date। So, yeah, I understand your problem. खेलेंगे, ये तो fair नहीं है ना अंकल। Okay. So, you think सब जो साउथ इंडियन होता है वो मद्रासी होता है, लाइक ऑल फाइव स्टेट्स। हमसे ना जी के ना झाड़िए आप ज्यादा, अभी तो एकदम भी नहीं। अब सारा यूपीएससी ना यूपी बिहार वाले क्लियर करते हैं, नॉर्थ इंडियंस नहीं। यू आर राइट, वो क्या ना, वो यूपीएससी जैसा छोटा ड्रीम नहीं होता है हमारा। वी आर वेरी एंबिशियस पीपल, मार्स पे जाने का सपना। ओह इसरो। सो इसरो मालूम है ना? ऑब्वियसली यार, जस्ट आस्किंग। इसरो का मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट आर साउथ इंडियंस। तो होते होंगे साइंटिस्ट साउथ इंडियन, लेकिन ओलंपिक सबसे ज्यादा कौन जीतता है? हरियाणा। रेसलिंग, बॉक्सिंग। नो, यू आर राइट, यू हैव गॉट सम ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया, राइट? बट यू नो व्हाट, वी हैव समथिंग दैट यू हैव नेवर गॉट, लाइक ऑस्कर। ए आर रहमान एंड नाटू। या आई कैन डू दिस सेम एज वेल एंगल, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट आई कैन मैनेज इट। या सो द कमिंग बैक टू द पॉइंट इज, नॉर्थ इंडियन आर जस्ट गुड विद वायलेंट स्टफ। ओके, मैं बोल रहा है इनको घर मत दो, ये रेसलिंग बॉक्सिंग करके सोसाइटी में तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। देगी। हां, मेल्स देगा, देगी फीमेल्स देगी। और हम तुमको ये घर नहीं लेने देंगे। एक मिनट। देखो फाइनली निरंजन बाबू ने मुझे पहले ही एडवांस में किराया दे चुके, तो अब ये लड़ाई झगड़ा करने कोई मतलब तो है नहीं। और वैसे भी करना चाहो तो आप कर लो, लेकिन फाइनली मैंने ये रूम जो है वो निरंजन बाबू को दे। थैंक यू वेरी मच अंकल, अप्रिशिएट इट। बाय मिश्रा, सॉरी। अरे क्या यार मिश्रा जी यार, देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए इन्फेंट वाला घर दिलाऊंगा। बोल तो पा नहीं रहे मिश्रा जी आप। यही दोनों हैं। हाँ, मुझे भी लग रहा है ये दोनों हैं। हम डेट पे आ गए हैं, लेकिन हम तुम्हारे दोस्त को पहचानेंगे कैसे? डोंट वरी, तुम पहचान लोगी। ख्वाब था। तुम
तुम नैनी का हो? अगर आप निरंजन है ना तो हम नैनी का बिल्कुल नहीं है, हम फूल मत हैं और हम यहाँ खो गए। You don't have to act so smart, okay? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ डेट पे आने का। That Prachi said you are a nice girl, that's why I came. मेरे को मालूम नहीं था तुम है। हमें ना कोई शौक नहीं है नाइस गर्ल बनने का, और एक मद्रासी के साथ डेट पर बैठने का तो बिल्कुल नहीं है। पहले कम बदसूरत नहीं थे तुम जो ये साउथ इंडियन अटायर पहनकर आ गए हो? You know what? In the evening you thought it was funny to insult my whole culture. I thought upset है इसलिए कर रहा है, लेकिन अभी भी वही कर रहा है तुम। क्या मेरे लुक्स पे बोल रहा है, कल्चर पे बोल रहा है? अगली बोला तुम मुझे, और कुछ बोलना है वो भी कर लो। हाँ, क्या गोरा है तुम मुझसे तो काला बोल लो, मुझे रेसिज्म कर लो। This is not funny, okay? अच्छा रुकिए। What now? What? More insult? हाँ? Okay, करो, go on. No, no, करो, come on, go on. Do it. हमने जो बोला वो मीन नहीं करते थे। चिढ़ाने के लिए। Actually, hurt है। क्योंकि घर नहीं मिला ना, वो भी बाथटब वाला पहला घर देखा था इतनी मुश्किल से हमारे बजट में, और आप ले गए तो आप भी हर्ट करना चाहते थे पर मीन नहीं करते थे। सॉरी, माफी मांगते हैं। बैठ के बात करें। आफ्टर ऑल दिस व्हाट मेक्स यू थिंक कि मैं बैठना चाहता है, बात करना चाहता है तुमसे? एक्चुअली दो रीजंस हैं। पहला, इंसल्ट शुरू भले ही हमने किया हो मगर करा तो आपने भी हमारे कल्चर को बुरी तबीयत से। और दूसरा, पप्पी फेस कारगर है हमारा, एक बार बना दिया ना तो आप पिघल जाएंगे। क्या? मुझे नहीं समझ लगी। द फर्स्ट रीजन इज वैलिड, इसलिए बेटर है। आफ्टर यू। And this puppy face and all don't work with me. I don't know. Order ma'am. अभी तो फिलहाल सर को मनाने की कोशिश है। तो anything with sambar in it. First of all, it's sambar, not sambar. All right. And do you have chole bhature? तो वो दे दो chole bhature. First of all, it is chole bhature. Oh, is it? Yeah. And second, क्या साउथ इंडियनों के छोले भटूरे? Yeah. Okay, so one छोले भटूरे for me, one मसाला डोसा with extra सांबर for her. Okay for you? Okay boss. Okay. Thank you. वैसे ना मैंने एक चीज नोटिस करी है, तुम साउथ इंडियनों के ना खाना। यार what is this साउथ इंडियन यार? हाँ? अभी तुमको मालूम भी है मैं कौन सी स्टेट से साउथ के? हम गैस कर भी लेते मगर आपने वो मचा मचा वो बोला ही नहीं। हेलो, मचा इज तमिल। आई एम नॉट तमिल, आई एम फ्रॉम बेंगलोर। कन्नड़ है ना? कन्नड़ा। इट्स नॉट कन्नड़, इट्स कन्नड़ा। ओके, एंड कन्नड़ा इज अ लैंग्वेज। आई एम कन्नड़ीगा। कन्नड़ा कन्नड़ीगा कन्नड़ी कन्नड़ा। अरे यार, आप लोग ना टंग ट्विस्टर बना रखा है। अब हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, आप लोगों की गलती है। थोड़ा इजी हमारा गलती। ओके, तो एक काम करता है, हम तुमको लैंग्वेज से बुलाता है, ठीक है? हम कन्नड़ा है तो तुम हिंदी है। हाँ, वैसे भी वो नॉर्थ के सारे स्टेट्स में हिंदी बोलते, तो तुम हिंदी है। हाउ डज इट फील नाउ, हिंदी? हमारी तो सिर्फ लैंग्वेज सेम है, आप लोगों के तो सारे मौसम भी सेम होते हैं। क्या होते हैं, कौन कौन से मौसम होते हैं? गर्मी और बहुत गर्मी। यू नो, द मोस्ट लर्नड पीपल मेकिंग इंडिया प्राउड आर फ्रॉम साउथ इंडिया। Satya Nadella, Kamala Harris and many more. Yeah. Academics में आप लोग बढ़िया हैं। ये तो मैं भी मानती हूँ। But अभी currently सबसे बड़ा superstar कौन है? शाहरुख खान। और वो कहाँ से हैं? North India. Yeah, that is true. But SRK का recent movie कौन सा है? जवान। जवान? And who's the director of that film? Atli, South Indian. यार जवान, लेकिन क्या movie है ना? किसी बात तो सहमत हुए हम। हमारे बजट में बाटा वाला घर मिलना बहुत मुश्किल है।
I'm so sorry. I have to ask this now. What is this fascination with bathtub that you were ready to insult my whole culture in the evening? Please tell me if you don't mind. वो हम ना बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में बड़े हुए हैं जहाँ पुरानी टी शर्ट्स का पायदान और पोछा बन जाता है ना आप पता नहीं आप रिलेट कर पाएंगे कि नहीं बट जैसे हमारे लिए नेसेसिटी और लग्जरी में जो थिन लाइन होती है ना वो बिल्कुल थिन नहीं थी वो लक्स वाला ऐड याद है जिसमें करीना कपूर थी तो साबुन तो हम भी यूज करते थे बट बाथटब में बैठ के नहीं किया कभी तो बाथटब में ना बाथटब ऐसे लग्जरी का सिंबल बन गया हमारे लिए ग्रोइंग अप और हमें लगता है जो इच्छाएं बचपन में पूरी नहीं हो पाती वो बड़े होके सपने बन जाती हैं और सपने पूरे करते समय अक्सर गलतियां हो जाती हैं निरंजन जी ऐसा आर्गुमेंट के बीच में गिल्टी फील कराने का जरूरत नहीं की जरूरत मेल का फीमेल की यू क्यूटी निरंजन जी हम फ्लर्ट कर रहे हैं आपके साथ sorry not here na I'm keeping my focus sorry you order thank you anything else no thank you अच्छा आपको क्या लगता है हम दोबारा डेट पर आएंगे अभी तुमको मालूम है वो क्या है तुम नॉर्थ इंडिया से हैं हम साउथ इंडिया से हमको तो लगता है अगर रणवीर दीपिका कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं नहीं पॉइंट तो है बट नेक्स्ट टाइम यू हैव टू इनवाइट मी एट योर न्यू हाउस अब आप मजे ले रहे हैं हमारे नहीं नहीं हमारा न्यू हाउस तो आप खा गए यू हैव अ हाउस यू जस्ट डोंट नो इट येट वेट फॉर अ व्हाइल ओ छोड़ तो नहीं गए शायद सामने वाली पार्टी नहीं बालकनी व्हाट हैपेंड आई डोंट नो माय ब्रोकर जस्ट मैसेज्ड एंजॉय योर बाथटब नाउ निरंजन जी इसकी कोई जरूरत नहीं अरे आई एम सीरियस प्लीज टेक केयर प्लीज सीरियसली हैप्पी ओके लेट्स ईट द फूड नाउ अ साउथ इंडियन गाय विल एंजॉय नॉर्थ इंडियन फूड हां हमको भी सांभर बढ़िया लगता है ऑलराइट वैसे Hi guys, कैसी लगी आपको हमारी two steps की story? क्या लगता है आपको Mr. South और Miss North की love story आगे बढ़ेगी? आप देखना चाहेंगे? And the very important thing, level up your game with the wide range of raw bear shades. Buy to get one free for your Matcha and Macho friends, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है and for your daily dose of entertainment, don't forget to subscribe to RBCJ. भाई वीडियो देखकर ना सबसे पहले तो मुझे याद आ गई मूवी की भला कौन सी टू स्टेट्स की मूवी की याद आ गई क्योंकि उसमें भी अगर देखा जाए तो नॉर्थ और साउथ का जो है ना आपको एक वो मिक्सचर जो है उसमें वो दिखाया गया लेकिन क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी थी इसमें घर को लेकर जो है ना वो थोड़ा सा था लेकिन जो है ना वाकई ये हकीकत है जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना उनके लिए कुछ चीज़ें जो है ना वो एक लग्जरी के मानद होती हैं जो अर्जुन कपूर थे वो कौन सी स्टेट के बनाए गए थे वो साउथ के बनाए हुए थे और मैं मध्य प्रदेश के या किसी साउथ के नहीं बनाए हुए थे क्योंकि लैंग्वेज इस तरह की नहीं मध्य प्रदेश के बनाए हुए थे और वो जो है वो पंजाबन या हरियाणवी मुझे बिल्कुल ऐसे लग रही थी क्योंकि मुझे ड्रेसिंग मेरे माइंड में आ रही है ना बाकी मैं कहूंगी कि बहुत ही मजे की वीडियो थी बहुत ही क्यूट सी जैसे ही स्टार्ट हुई जहां से मतलब जो एक प्लॉट था मैं कहूँगी बहुत मजे का था कि आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट हो मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि भाई यहाँ से ये जो ब्लाइंड डेट वाला है ना ये वाला स्टार्ट हो जाएगा खैर मैं मौसम की बात से अग्री करूँगी वैसे कि आप की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं बट आई थिंक कुछ लोग इच्छाओं को काफ़ी बड़ा बना लेते हैं कि लाइक उनको ये करना ही करना है
सो मुझे लगता है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. कभी कभी आपको छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही होती है. बट मैं एक चीज़ बिल्कुल मानूंगी और वो ये है कि साउथ इंडियन मतलब कुछ वैसे अब यहाँ पर ये बात आ जाएगी कॉमेंट सेक्शन में कि पूरा इंडिया बोले, लेकिन ये कि साउथ में रहने वाले, इंडिया के साउथ में रहने वाले लोग आई थिंक उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो ये मैंने देखा है कि बाहर जितने भी कंट्रीज हैं ना उनमें सबसे ज्यादा आपको एक डोमिनेशन इनकी ही नजर आती है. इसमें कोई शक नहीं, नॉर्थ इंडियंस आपको कम देखने को मिलते हैं. हमने जो चीज खुद एक्सपीरियंस की हम उसकी बिना पर जो है ये चीज बोल रहे हैं. जो गल्फ में भी हमारे रिलेटिव्स रहते हैं वो भी हमें ये बात बोलते हैं कि केरला के बहुत ज्यादा लोग जो है वो आपको यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी नजर आते हैं. और इवन के क्या नाम लेते हैं, कुछ दोस्त जो मेरे बाहर दूसरे मुल्कों में रहते हैं उनसे जो है ना मैंने ये चीज सुनी है कि इंडियंस जो है ना वो पाकिस्तानियों से ज्यादा हेल्पिंग जो है ना वो वहां पर होते हैं. बिल्कुल, ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी की टांग खींचेगा लेकिन इंडियन जो है वो पाकिस्तान को हेल्प करेगा. सो ये चीज मैंने भी सुनी. इनफैक्ट हमारे बहुत अच्छे क्या से बोलते हैं YouTube फैमिली के मेंबर हैं जिनकी ईमेल्स हमें आती हैं. सो उन्होंने भी अपनी नहीं रिसेंटली मुझे जो है ना किसी ने जो है ना वो जरा एक्सपीरियंस शेयर किया है तो मैं उसकी बिना पर जो है ना ये बात कर रहा हूँ कि जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों से ज्यादा जो है ना जो इंडियंस हैं वो ज्यादा हेल्पिंग हैं जो है ना वो होते हैं. लेकिन भाई जिस तरीके से हम लोगों को एक केमिस्ट्री नजर आई कि जब दो इंसान आपस में बात करते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ना शुरू रहती है तो पहले जहाँ पर वो एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं वहाँ पर फिर उनका वो जो चिढ़ाना है वो प्यार में ही बदल जाता है. यार मुझे तो क्या नाम लेते हैं वो जो है ना जहाँ पर वो आते हैं और आंधियाँ चलती हैं हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं साउथ म्यूजिक आपको सुनने को मिलता है. और मुझे ना वहाँ पे एक गजल भी याद आ गई, आंधी चली तो आगे पता नहीं क्या बड़े प्यार मोहब्बत वाली होती है तो वो वाली फीलिंग्स वहाँ पर चली और शादी के बाद तूफान आ गया वो तो हमेशा ही आता है ना. लेकिन ये ना वो एक जो सीन बनाया हुआ था ना कि जैसे एंट्रेस होती है और वो वहाँ पर हवा चलती है वो एक प्यार का झोंका आता है ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है. हाँ बिल्कुल, वरना रियल लाइफ में तो भाई इतना लेट क्यों आए, मैं इंतजार करती रहेगी थोड़ा सा आर्गुमेंट वगैरह जो है जैसे पहले में देखने को मिला तो इस तरह होता है. नहीं मुझे नहीं, मैंने भी जो है ना बस वैसे ही देखा हुआ है तो इस तरह जो होता है ये एक बहुत वो थी. लेकिन जो है फिर उसके बाद जैसे अंडरस्टैंडिंग दिखाई हुई है ना वो जरा अच्छी है कि भाई आप फर्स्ट टाइम किसी को मिलते हैं तो आप उसे जरा अच्छा टाइम. बट आई थिंक मुझे लगता है कि जो नॉर्थ में रहने वाले लोग होते हैं, हम लोग भी नॉर्थ में ही आते हैं ना मौसम, मतलब पंजाब में रहने वाले हम लोग थोड़े लाउड होते हैं लाइक बोलने में एक्सप्रेस करने में. हमारे तो मुंह में स्पीकर लगे होते हैं, घर बैठ के बोल रहे हैं, गली तक आवाज आ रही होती है. मतलब साउथ में रहने वाले लोग मुझे लगता है कि थोड़े वो हमारे शांत, मतलब नहीं शांत ही मतलब खामोश तो नहीं बोल सकती लाइक हाँ वैसे शांत वर्ड ही आई थिंक सही है कि मतलब इस तरह से वो बात करते हैं. हम लोग बड़े ओवर एक्सप्रेसिव होकर बात करते हैं. इवन के अगर तुम्हें याद हो तो हम लोगों ने एक कपल देखा था जब मलेशिया में ही जब हम लोग मेट्रो में थे तो जो मतलब मेल थे वो साउथ इंडियन थे मतलब उनकी शादी थी और जो फीमेल थी वो नॉर्थ इंडियन थी. बिल्कुल, और बिल्कुल. उनकी शादी आपस में हुई थी और बहुत मेट्रो में हमें वो मिले. हाँ तो वही तो कह रही हूँ, मनी भी अच्छी उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई थी. तो बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि कहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है और आपको लगता है कि आपको इस इंसान के साथ शादी करनी चाहिए वो ही परफेक्ट है. फिर मैटर नहीं करता कि आप किस इलाके से हैं या किस एरिए से हैं, नो डाउट रिचुअल्स आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, थोड़ा कल्चर डिफरेंट हो सकता है. बट मुझे लगता है कि फिर भी जहाँ पर प्यार हो ना वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, समझते हैं चीजों को. और मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है लाइफ. बिल्कुल सही बात है. आप जो है ना मेरा ख्याल है भाई जिंदगी जो है ना कोई भी दो इंसान हो बेशक वो दोस्त यार हैं बेशक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या मियां बीवी कुछ भी है आपको कहीं ना कहीं जो है ना कम्प्रोमाइज दोनों को जो करना पड़ता है तो ही आप जो है ना हर चीज को लॉन्ग टर्म लेकर चल सकते हैं. बिल्कुल. और बट मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ये लगता है ना कि आपका माइंडसेट मिलना बड़ा जरूरी होता है. आपको लगना चाहिए कि हाँ आप इस इंसान के साथ लाइफ गुजार सकते हो फिर आपको शादी करना चाहिए. कभी भी सोसाइटी के प्रेशर में आगे शादी नहीं करनी चाहिए. सो मैं कहूंगी कि जो जितना भी उनका जो डायलेक्ट था इवन के बाद में उनका डायलेक्ट मुझे साउथ इंडियंस वाला नहीं लगा है ना, मतलब जिस तरह से वो बात कर रहे हैं पता नहीं मुझे इतना ज्यादा नहीं फील हुआ. बट ये कि बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही मैं कहूंगी कि एक मीठी सी कॉन्वर्सेशन हमें देखने को मिली. और जैसे लास्ट में उन्होंने कीज दे दी सो ये पर्क्स होते हैं
लड़की हो रही है कि वो उन्होंने सही कहा था कि मैं दिल तो पगला ही दूंगी, आई डोंट पगला नहीं सॉरी पिघला दूंगी, पगला तो हो जाता पागल हो जाता, उनसे पागल ही होता दिल तो ही फिर वो किसी और पे आता है, सही बात। बट मुझे ये पपी फेस वाला नहीं समझ में आता, मुझे भी नहीं समझ लगी, शायद पपी के क्यूट क्यूट मे बी हो सकता है ये भी। एनीवे गाइस आप जरूर बताइए कि आप कभी ब्लाइंड डेट पर गए हो तो जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तुमसे कब पूछा मैंने पता तू नहीं गया हुआ सो लेकिन ये कि आप लोगों में से कभी किसी का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो या कोई अच्छा बुरा कोई भी फनी मोमेंट जरूर हमारे साथ प्लीज शेयर करें कमेंट सेक्शन में, गुड बाय।